यूपी के सहारनपुर में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशन पर दवाई मार्केट में छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस को 200 इंजेक्शन प्राप्त हुए हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जो बच्चे खेलकूद में भाग लेते हैं उनको यहां से प्रतिबंधित दवाइयां सप्लाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने डेक्स टीम के साथ मिलकर छापेमारी की और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। सहारनपुर से संवाददाता पारस पवार की रिपोर्ट। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो स्टेडियम में बच्चे आर्मी और पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं और अदर टूर्नामेंट्स और कॉम्पिटिशन्स के लिए एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग कुछ ऐसे नशीले इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि डोपिंग टेस्ट में प्रोहिबिटेड है और उनका इस्तेमाल जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो उसी पूरे प्रकरण में हमने आज जो है यहाँ पे किशनपुरा में सदर बाजार पुलिस के साथ और ड्रग इंस्पेक्टर जो है सहारनपुर के, उनके साथ एक रेड करी है।